आप राजस्थान में रहते हैं और अगर आपको शराब नोशी का शौक है तो जरा तैयार हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द ही आपको इन आदत को छोड़ना पड़े। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार आम लोगों को अब एक वो तोहफा देने की कोशिश में लगी है, जिससे खासकर महिलाएं ज्यादा खुश होंगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। पता चला है कि राजस्थान की गहलोत सरकार अगले साल यानी 2020 की 1 अप्रैल से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कवायद में जुटी है। यानी अब 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में शराब नहीं बिक सकेगी, ना ही अब शराब के ठेके होंगे और ना ही लोग शराब पीकर आपको झूमते हुए नजर आएंगे। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार ने 5 आला अधिकारियों को बिहार भेजा है, जो वहां के शराबबंदी मामले को देखेंगे। वो वहां के अधिकारियों से मीटिंग करेंगे और बिहार में शराबबंदी के बाद के हालातों को भी देखेंगे। सूबे की सरकार की इन सभी प्रक्रियाओं को देख लगता है कि गहलोत सरकार अपने मंसूबों में कामयाब होगी और राजस्थान में 1 अप्रैल से खुले तौर पर बिकने वाली शराब की बोतलें भी नजर नहीं आएंगी। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो 11 से 16 दिसंबर के बीच बिहार पहुंचकर शराबबंदी के फार्मूले को जानेगी। ये 5 सदस्यीय टीम बिहार में अपराधों में आई कमी, रेवेन्यू में हुआ नुकसान, शराबबंदी से लोगों पर पड़ने वाले असर और बिहार के पर्यटन पर पड़े प्रभाव का खाका तैयार करेगी। अगर बात राजस्थान में आबकारी विभाग के रेवेन्यू की बात की जाए तो सरकार को सबसे ज्यादा आय आबकारी विभाग से होती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018-19 में आबकारी महकमे को 25,92,50,000 रुपए के राजस्व प्राप्ति हुई थी और हर साल इसमें 20% की बढ़ोतरी भी हो रही है। वहीं अगर शराबबंदी से होने वाले राजस्व के नुकसान की बात की जाए तो बिहार में हर साल 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू की गई, क्योंकि वहां पर हर साल लोग 1,410 लाख लीटर शराब खपा देते थे। वहीं अगर बात की जाए कि किस राज्य में शराबबंदी कितनी कारगर रही तो गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप और मणिपुर के कुछ हिस्सों में इस वक्त शराबबंदी लागू है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां शराबबंदी लागू तो की गई थी लेकिन कारगर साबित नहीं होने पर रोक हटा ली गई। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम। अब यहां धड़ल्ले से शराब बिकती है। गौरतलब है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से ही शराबबंदी के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं कि राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी और सख्ती से शराबबंदी लागू करेगी, जिसके बाद अब साफ हो गया है कि राजस्थान में शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इतना तो तय है कि प्रदेश में क्राइम कंट्रोल के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में भी कमी आएगी।